साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था, व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी छिनेती लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे दिया बरे घर लौटाओ, ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा, एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था, लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं? बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे, लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास विकास विकास, देश का विकास विकास विकास। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं, इसलिए ये घोर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते।